हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज शाम की 6 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए फटाफट से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आपको बता दूं कि एचपी की तरफ से अपडेट है, एचपी एसएससी की तरफ से अपडेट है, एचपीटी की तरफ से अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे आई हुई हैं, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। और हाँ, इन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर वीडियो पोस्ट होने के थोड़ी देर बाद में। ओके, टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। और दोस्तों, आप यहाँ पे कोई बोल रहा था कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करो, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जो पहले वो ड्राइव में सेव करना पड़ता है, ड्राइव जो गूगल ड्राइव होती है वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद फिर वहाँ पर अपलोड हो गया, फिर उसका लिंक जनरेट करके फिर वो जो है यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करना पड़ता है। तो इसमें जो है, पहली बात तो गूगल ड्राइव में इतना स्पेस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पहले से ही मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो इतना स्पेस नहीं होता है। तो इसलिए मैं टेलीग्राम के ऊपर ही आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। और जितने भी पीडीएफ होते हैं मैं वहीं पर आपको अभी देता हूँ। पहले मैं डिस्क्रिप्शन में ही देता था लिंक, बट अब जो है मैं टेलीग्राम के ऊपर स्पेशल इसीलिए चैनल बनाया हुआ है। वैसे मुझे यहाँ पे स्पेशल इसीलिए मैंने बनाया है टेलीग्राम के ऊपर कि कोई भी मतलब चाहे जब मर्जी वहाँ से डाउनलोड कर ले, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लिया करो। ओके, चलिए नोटिफिकेशन बताता हूँ। पहला नोटिफिकेशन दोस्तों ये रहा, तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से सुबह भी मैंने ये अपडेट आपको बताई थी। तो ये जो है आपकी आंसर की है बीटेक एंड बी फार्मेसी एचपी सेट के लिए, जो आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी। तो ये आंसर की आप चेक कर लेना अगर किसी ने नहीं देखी है तो। दूसरी आंसर की आपकी एमबीए की, ओके, एमबीए की है, तो ये भी आप चेक कर लेना। ओके, और हाँ, यहाँ पर अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन होगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी के ऊपर आप इसको 13 तारीख आज 5 बजे तक आप भेज सकते थे, बट अभी टाइम हो गया है, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा, बट नहीं देखा तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। तीसरा है आपका एमसीए का आंसर की, ठीक है, एचपीटी की है ये भी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये रहा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपका आया है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि एचपीटी से ही। तो ये यहाँ पर एक अपडेट है, यहाँ पे इट इज़ इन्फॉर्म्ड ऑल द कंसर्न स्टूडेंट्स हु कुड नॉट फिल, जो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं ड्यू टू टेक्निकल एरर इन द ईआरपी पोर्टल, दैट दे कैन फिल देयर रेगुलर एंड रीअपेयर एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू ऑफलाइन मोड। तो जो नहीं भर पाए थे टेक्निकल वजह से, टेक्निकल एरर से की वजह से, तो आप जो है यहाँ पे ऑफलाइन मोड एंड भर सकते हो और सबमिट कर सकते हो आप विदाउट लेट फीस 16 तारीख तक, ठीक है। 16 तारीख इसके लिए लास्ट डेट है, यानी कि 16 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। जो फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी। तो ये यहाँ पर आपका ये रहा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये आप भर लेना, जिन्होंने नहीं भरा है, नहीं भर पाए हैं, तो ये भरना है पूरा और फिर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, फीस के साथ। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करूँ तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है ये दोस्तों एचपीएसएससी हमीरपुर की तरफ से आज जो है एक रिज़ल्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट रिज़ल्ट जो यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था 11 जनवरी को, तो आज इतने महीनों के बाद इन्होंने ये रिज़ल्ट निकाल दिया। आखिरकार 5-6 महीनों के बाद ये रिज़ल्ट आज जो है निकला है। हाँ, स्किल टेस्ट इनका हुआ था 11 जनवरी को और आज है 12 जुलाई, इतने महीनों के बाद ये स्किल टेस्ट का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो ये आप देख ही सकते हो, पोस्ट कोड है इसका 887 और 19 पोस्टें थी इसमें। नाम है पोस्ट का क्लर्क की ये पोस्ट थी, ठीक है। और बाकी इवैल्यूएशन होगी 15 नंबर की 30 जुलाई को एचपीएसएससी में। ओके, नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करूं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन है ये, तो ये दोस्तों बीटेक का रिज़ल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है एचपीयू के द्वारा। तो ये आप देख ही सकते हो इधर, ठीक है, ये पूरा रिज़ल्ट, ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।